रिटर्निंग अफसरान के फराइज में इलेक्शन मटेरियल से मुतल्लिक अहम मराहिल, बल्क ब्रेकिंग, सामान की तरसील और वापस वसूली हैं। इस अमल के अहम मराहिल ये हैं। रिटर्निंग अफसरान डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर से इकट्ठा यानी बल्क में इलेक्शन मटेरियल वसूल करें और हर पोलिंग स्टेशन की जरूरत के मुताबिक इलेक्शन मटेरियल का पोलिंग बैग तैयार करें। हर पोलिंग स्टेशन के लिए अलग अलग पैकिंग इनवॉइस फॉर्म 36 तैयार करें। हर पोलिंग स्टेशन के लिए अलग अलग पोलिंग बैग्स तैयार करें। इलेक्शन बैग सील करने से पहले उनमें मौजूद सामान एक मर्तबा फिर चेक कर लें, ये यकीनी बनाने के लिए कि कोई सामान रहना गया हो और सिर्फ मुतलका सामान ही बैग में डाला गया है। अपने तैयार करदा कम्युनिकेशन प्लान के जरिए प्रिजाइडिंग अफसरान को इलेक्शन मटेरियल वसूल करने की तारीख, मकाम और इसकी तफसील के बारे में मुतला करें। प्रिजाइडिंग अफसरान को एक मुअस्सर और मरबूत अंदाज में इलेक्शन बैग्स की हवालगी मुमकिन बनाए। इस बात को यकीनी बनाएं कि प्रिजाइडिंग अफसरान पैकिंग इनवॉइस पर दस्तखत करें और इसकी कॉपी अपने हमराह रखें। यकीनी बनाएं कि मर्द और ख्वातीन प्रिजाइडिंग अफसरान में सामान और फंड्स की तकसीम के लिए अलग अलग काउंटर्स बनाए जाएं। इसके अलावा वोटिंग स्क्रीन और बैलेट बॉक्स हासिल करने के लिए भी मर्द और ख्वातीन के लिए अलग अलग काउंटर्स बनाएं। कौमी असेंबली के लिए सब्ज कवर और सूबाई असेंबली के लिए सफेद कवर वाले बैलेट बॉक्स तकसीम किए जाएंगे। पोलिंग बैग्स की तैयारी। इलेक्शन मटेरियल की पैकिंग से पहले रिटर्निंग अफसरान 10 पैकिंग पॉइंट्स कायम करें। हर पैकिंग पॉइंट पर तैनात किए जाने वाले अहलकारों को उनकी जिम्मेदारी बताई जाए और रिटर्निंग अफसरान पोलिंग बैग्स की तैयारी की खुद निगरानी करें। पैकिंग पॉइंट नंबर 1 पर तैनात अहलकार पैकिंग इनवॉइस फॉर्म 36 के 1-4 नंबर तक मतलूबा मालूमात दर्ज करेंगे। कौमी असेंबली के लिए सब्ज बड़े थैले पर पोलिंग स्टेशन का नाम और नंबर तहरीर करेंगे। थैला और इनवॉइस पैकिंग पॉइंट नंबर 2 पर तैनात अहलकार के हवाले कर देंगे। पैकिंग पॉइंट नंबर 2 पर स्केल के मुताबिक ऑफिशियल कोड मार्क्स थैले में डालेंगे। पैकिंग इनवॉइस के सीरियल नंबर 6A और 6B में उनकी तादाद और कोड नंबर दर्ज करेंगे। थैला और इनवॉइस पैकिंग पॉइंट नंबर 3 पर तैनात अहलकार के हवाले किया जाएगा। पैकिंग पॉइंट नंबर 3 पर तैनात अहलकार स्केल के मुताबिक बैलेट पेपर पर निशान लगाने वाली रबर की मोहरें फी पोलिंग बूथ 3 और इजाफी फी पोलिंग स्टेशन 1 के हिसाब से थैले में डालेंगे। पैकिंग इनवॉइस के सीरियल नंबर 7 में मोहरों की तादाद दर्ज करेंगे। थैला और इनवॉइस पैकिंग पॉइंट नंबर 4 पर तैनात अहलकार के हवाले करेंगे। पैकिंग पॉइंट नंबर 4 पर अहलकार फी पोलिंग स्टेशन 1 पीतल की मोहर थैले में डालेंगे और पैकिंग इनवॉइस के सीरियल नंबर 8 पर दर्ज करेंगे। फी पोलिंग स्टेशन 1 स्टैंडर्ड स्टेशनरी पैक बैग में डालेंगे और इसका इंदराज सीरियल नंबर 12 में करेंगे। गैर इस्तेमाल शुदा इलेक्शन मटेरियल की वापसी की गर्ज से एक खाली नीले थैले पर पोलिंग स्टेशन का नाम और नंबर तहरीर करके उसे सब्ज थैले में डालेंगे। थैला और इनवॉइस पैकिंग पॉइंट नंबर 5 पर तैनात अहलकार के हवाले करेंगे। पैकिंग पॉइंट नंबर 5 पर तैनात अहलकार फी पोलिंग बूथ 1 और इजाफी फी पोलिंग स्टेशन 2 के हिसाब से अनमिट स्याही थैले में डालेंगे। जैसा कि अगर 4 पोलिंग बूथ हैं तो 2 जमा 4 6 अनमिट स्याही के वायल्स डालेंगे। डाली गई अनमिट स्याही की तादाद पैकिंग इनवॉइस में दर्ज करेंगे। थैला और इनवॉइस पैकिंग पॉइंट नंबर 6 पर तैनात अहलकार के हवाले करेंगे। पैकिंग पॉइंट नंबर 6 पर अहलकार बैलेट बॉक्सेस बंद करने के लिए फी बैलेट बॉक्स 5 जमा कुछ इजाफी प्लास्टिक सील्स थैले में डालेंगे। डाली गई प्लास्टिक सील्स की तादाद इनवॉइस के सीरियल नंबर 10 में दर्ज करेंगे। थैला और इनवॉइस पैकिंग पॉइंट नंबर 7 पर तैनात अहलकार के हवाले करेंगे। पैकिंग पॉइंट नंबर 7 पर अहलकार फी पोलिंग बूथ 2 और इजाफी फी पोलिंग स्टेशन 1 के हिसाब से स्टैंडर्डाइज्ड स्टैंप पैड थैले में डालेंगे। थैले में डाले गए स्टैंप पैड्स की तादाद पैकिंग इनवॉइस के सीरियल नंबर 11 में दर्ज करेंगे। थैला और इनवॉइस पैकिंग पॉइंट नंबर 8 की तरफ भेज देंगे। पैकिंग पॉइंट नंबर 8 पर तैनात अहलकार तमाम किस्म के लफाफे और टेम्पर एविडेंट बैग्स थैले में डालेंगे। थैला और इनवॉइस पैकिंग पॉइंट नंबर 9 की तरफ भेज देंगे। पैकिंग पॉइंट नंबर 9 पर अहलकार तमाम इकसाम के फॉर्म्स, पोस्टर्स, बैजेस, प्लेसमैट और प्लेकार्ड्स वगैरह थैले में डालेंगे। थैला और इनवॉइस फिर पैकिंग पॉइंट नंबर 10 पर तैनात अहलकार के हवाले करेंगे। पैकिंग पॉइंट नंबर 10 पर तैनात अहलकार मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन की तस्वीर वाली वोटर लिस्टें थैले में डालेंगे और चेक करेंगे कि तमाम मतलूबा सामान थैले में डाल दिया गया है।
जिसके बाद वो थैला बंद करके रख लेंगे। बैलेट पेपर वसूल करने के बाद रिटर्निंग अफसर पोलिंग डे से कुछ रोज कबल फराहम करदा छोटे थैले, सब्ज थैला बराए कौमी असम्बली और सफेद थैला बराए सूबाई असम्बली में पोलिंग स्टेशन के वोटर्स की तादाद के मुताबिक बैलेट पेपर डालकर पैक करेंगे। छोटे थैले पर हल्के का नाम और नंबर और पोलिंग स्टेशन की तफसीलात तहरीर करके उसे सील कर देंगे। पैकिंग इनवॉइस के सीरियल नंबर 5 पर बैलेट पेपर्स की तादाद और उनके सीरियल नंबर दर्ज करेंगे। सील करदा छोटा थैला पैकिंग इनवॉइस समेत बड़े थैले में डाल देंगे और थैले को सील कर देंगे। बल्क ब्रेकिंग और सामान की पैकिंग से मुतल्लिक बताए गए तरीक़ाकार के अलावा रिटर्निंग ऑफिसर अपनी सहूलत और इंतजामी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए भी इलेक्शन कमीशन के वज़ा करदा स्केल के मुताबिक पोलिंग बैग्स की तैयारी का अमल मुकम्मल कर सकते हैं। ECP की दी गई हिदायत के मुताबिक मुतल्लिका पोलिंग स्टेशंस के पोलिंग बैग्स रिटर्निंग ऑफिसर बराए कौमी असम्बली तैयार करेंगे, जबकि रिटर्निंग ऑफिसर बराए सूबाई असम्बली मुतल्लिका पोलिंग स्टेशंस के पोलिंग बैग्स में इंतखाबी फहरिस्त और बैलेट पेपर्स डालकर पैक करेंगे। सामान की तरसील के लिए डिस्पैच सेंटर्स का क्याम। सामान की पैकिंग के बाद रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन मटेरियल की तकसीम और तरसील के लिए डिस्पैच सेंटर कायम करेंगे। हर डिस्पैच पॉइंट पर इलेक्शन मटेरियल प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले करने के लिए मुनासिब तादाद में काउंटर्स होने चाहिए। इस दौरान इस हवाले से चंद बातों का ख्याल रखना जरूरी है। हर काउंटर पर पोलिंग स्टेशंस के नंबर नुमाया तौर पर आवेजा किए जाएं। हर काउंटर को मखसूस नंबर दिया जाए, मसलन काउंटर नंबर 1, काउंटर नंबर 2 वगैरह। मर्द और ख्वातीन प्रिजाइडिंग अफसरान के लिए अलहदा अलहदा काउंटर्स बनाए जाएं। रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान तमाम कार्रवाई की निगरानी करें। इलेक्शन के बाद सामान की वसूली। ROs प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स से इलेक्शन मटीरियल बतरीके एहसन वसूल करने के लिए भी खसूसी काउंटर्स कायम करें। नतायज वसूल करने के लिए भी मर्द और ख्वातीन प्रिजाइडिंग अफसरान के अलग अलग काउंटर्स बनाए जाएं और टेंपर एविडेंट बैग 1 में मौजूद फॉर्म 45 और फॉर्म 46 को मुकम्मल चेक करके वसूल करें। दोनों फॉर्म्स में किसी गलती की सूरत में मुतल्लिका प्रिजाइडिंग ऑफिसर से गलती की तस्हीह करवाएं और उन पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से दस्तखत लें।